सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी। क्या जबरदस्त दिन है, क्या सुबह है और क्या कॉलेज है। मैं जब यहाँ आई और एनसीसी के बहुत से प्रोग्राम्स में जाना हुआ, पर जिस तरह की यहाँ परफॉर्मेंस हुई और सैल्यूट हुआ, वो डिसिप्लिन था, मुझे लगा भारत के बच्चे ऐसे होते हैं, जो डिसिप्लिन होते हैं, अनुशासन होता है, क्लैरिटी होती है, डायरेक्शन होती है, टीम वर्क होता है। मैं वहां से जब कॉरिडोर से सर हमें लेकर आ रहे थे, तो वहां हमने डिफरेंट फोटोग्राफ्स देखे। सरस्वती माता जी की वो पूरी हमने मूर्ति देखी, हमने मैम की पेंटिंग देखी, हमने बाकी पेंटिंग्स देखी, तो ध्यान में आया भारत के बच्चे ऐसे जो पढ़ाई के साथ साथ ऐसे जबरदस्त उनमें टैलेंट होता है कि वो ये सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जब आकर हम यहाँ बैठे और यहाँ पर जब म्यूजिक की परफॉर्मेंस हुई, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस। मीन्स आपने देखा होगा, आप अपनी आंख झपक नहीं सकते थे। वो नीचे बोल रहे हैं, वो ऊपर करके बोल रहे हैं, वो और ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं, और एक एक बच्चा अपनी परफॉर्मेंस में इतना मग्न था, ऐसा लगा तपस्या कर रहा हूं। देखा था आपने, तो लगा भारत के बच्चे ऐसे होते। अभी सर ने बताया कि ड्रामा में भी, थिएटर में भी हम लोग बहुत आगे निकले हैं। अच्छा, ये सब जब मैं देख रही थी, तो मैं और सर ने कहा कि पिछले एक साल से और बड़ा है ये तो मैं खट्टर सर की स्माइल भी देख रही थी और ये सब देख रही थी। और तभी मुझे ध्यान आया कि सुबह जब मैं गाड़ी से अपने घर मालवीय नगर से यहाँ आ रही थी, लगभग एक सवा घंटे का रास्ता था, रास्ते में जो सबसे ऊपर इन शॉर्ट्स पे न्यूज आई थी, और वो ये न्यूज थी, हार्वर्ड का पैसा बंद। क्यों? क्योंकि हार्वर्ड में जो केन ग्रिफिन है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर्स है, जिसने $300 मिलियन लास्ट वर्किंग हो, वो डेडिकेटेड हो, उनमें क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन हो, वो फैमिली ओरिएंटेड हो, वो वैल्यू बेस्ड हो, जो कहें केवल मैं ही आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं पूरी सोसाइटी को और देश को आगे लेकर बढ़ूंगा, ऐसे भारत के स्टूडेंट्स की जरूरत पूरी दुनिया को है। पूरी दुनिया देख रहा है कि लीडरशिप कौन प्रोवाइड करेगा, भारत करेगा। वो बिजनेस में करेंगे, वो पॉलिटिक्स में करेंगे, वो सोसाइटी में करेंगे, वो हर एरिया में करेंगे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ऐसे जबरदस्त कॉलेज में आकर। अब मुझे ध्यान आ रहा था, ये ध्यान है, मैं पड़ोस में ही हिंदू कॉलेज से पढ़ी हूँ, तो अब हिंदू, तब हमारी अटेंडेंस इतनी कंपल्सरी नहीं थी, आजकल तो अच्छे बच्चे हो आप सब लोग। अब हम आते थे, हम अपने कैंटीन भी कौन बैठेगा, लॉन्स में बैठ जाते थे। उसके बाद लगा कि मिनी शॉप जाना चाहिए। अब है मिनी शॉप कमला नगर है ना, हमारे यहाँ 15 रुपए का तब वो चॉकलेट पेस्ट्री मिलती थी और 3 सहेलियां। ध्यान है कि जो हिंदू कॉलेज से लेकर मिनी शॉप का रास्ता था, वो किरोड़ीमल कॉलेज से होके गुजरता, तो यहाँ तो रोज आना होता था और जाना होता। अच्छा, 3 साल तक किताबें क्या होती है, बाकी क्या होता है, मार्क्स तो आ ही जाते हैं, मार्क्स ही, और उसको पढ़ा। बिलीव मी, आज भी जब मैं कोर्ट में जाती हूँ और बड़े से बड़ा कोई केस होता है, मुझे उस बुक से कॉन्फिडेंस, मुझे उससे निर्भीकता मिलती है, लगता है कि आई कैन आर्ग्यू एनी केस इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑपोजिट काउंसिल। वो जो 5 बातें थी, मैं ब्रीफ में आपके सामने रखना चाहूंगी। पहला, मैंने चैप्टर खोला, हम लोग इकट्ठे ही बैठ के लॉन्स में पढ़ रहे थे, हिंदू कॉलेज के लॉन्स में। पहला चैप्टर मैंने खोला तो वो था स्वामी विवेकानंद जी का पहला चैप्टर, जो कहता है सपना, और सपना देखो तो बड़ा सपना देखो, छोटा मोटा सपना, अरे बड़े हो जाओ, ग्रेजुएशन हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद कहीं नौकरी लग जाए, लाइफ सेट, उसके बाद तो घूमना ही घूमना है, उसके बाद है क्या? नहीं, यू आर नॉट मेंट फॉर जस्ट अर्निंग 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh rupees पर मंथ एंड सेटलिंग। डू नॉट सेटल, नेवर सेटल इन लाइफ, कीप ऑन अपडेटिंग एंड अपग्रेडिंग योरसेल्फ। आपका फोन अगर सेटल हो जाए और अपडेट एक्सेप्ट नहीं करेगा तो रिडंडेंट हो जाएगा, यस और नो? तो ये डिवाइस रिडंडेंट हो जाएगी, व्हाट अबाउट दिस डिवाइस?
कि मैम अगर 12 साल से मैम एल्यूमिनाई हो गए हैं, टीचर्स एल्यूमिनाई हो गए हैं, बट आई एम श्योर मैम आगे आगे और बुक्स पढ़ रही होंगी और रिसर्च कर रही होंगी और लिख रही होंगी, तो कीप ऑन अपडेटिंग दिस। तो ये क्या कहा, सपना देखो और बड़ा सपना देखो। मुझे इमीडिएटली ध्यान आया कि इसमें आगे पढ़ना चाहिए। मैं देखा कि रात दिन सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, वो एक विचार ले लो, वन लाइफ वन मिशन, वो एक विचार ले लो और अपने यहां पर लगा लो, यू बिकम वन विद दैट विचार, फिर देखो आपको वो चीज मिल जाएगी। सपना कैसा देखो, ये ध्यान है हमारे, जब हमारा बेटा 12th क्लास में आया तो उसका फ्रेंड घर में आया, तो होता है सब लोग एक ही वही रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं, बड़े होके क्या बनोगे, क्या करना है। उसने कहा मैम मैं आरबीआई का गवर्नर बनना चाहता हूँ। मैंने कहा आरबीआई का गवर्नर, ये कोई पोस्ट होती है? तू पीओ बन जा, तू आईएएस बन जा, तू बिजनेसमैन बन जा, मैथ्स में अच्छे, आरबीआई का गवर्नर क्या होता है? कहता मैम पीओ और आईएएस तो कोई भी बन जाएगा, मैं तो चाहता हूँ हर 500 और 2000 के नोट के ऊपर मेरे हस्ताक्षर हो, मुझे आरबीआई का गवर्नर बनना। ऐसे मुझे ध्यान है हमारी जो ग्रुप है जिया, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस, वहां पर संतोष यादव है हमारी फ्रेंड, अगर आप उनको गूगल करेंगे वो सिर से पांव तक पल्लू में रहती है, व्हाइट कलर की साड़ी पहनती है, पल्लू में रहती है, वो उत्तराखंड के पास पैदा हुई और जब वो माउंट एवरेस्ट को कभी देखती उनको लगता मुझे चढ़ना है माउंट एवरेस्ट, वो लाइफ में तय किया और एक बार नहीं दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। उनके बारे में आज एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ाया जाता है, इसलिए आप तय करो। वो क्या होता है, आप अगर किसी चीज को दिलो जान से चाहते हो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है। ये शाहरुख खान ने ये एल्केमिस्ट में कहा है और बहुत पहले से कहा है और हमारी सब किताबें यही कहती हैं। आप तय तो करो फिर देखो आप कैसे आगे बढ़ जाओ। मुझे ध्यान आया कि अरुणिमा सिन्हा, नाम सुना है ये सब, कितनों ये नाम सुना है, हम लोग कहते हैं ना अरे मैम ठीक है आप बोल रहे हो, रात दिन सोते जाते उठते बैठते आप सपना देखो ये करो वो करो, पता है क्या सिचुएशन है मेरी, पता है घर में पैसा है कि नहीं है, पता है कितना प्रेशर आ रहा है, शादी होनी है ये होना है, नहीं कोई प्रेशर नहीं। अगर आपने लाइफ देखनी हो अरुणिमा सिन्हा की लाइफ देखो और पढ़ो। वो 31 इयर्स की लड़की, वो नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर, वो कुछ दिन पहले कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ रही थी, ट्रेन में आ रही थी सीआईएसएफ का एग्जाम देने के लिए और ट्रेन के अंदर डाकुओं ने हमला कर दिया और ज्वेलरी पैसे लोगों के लूटने शुरू कर दिए, पैसेंजर्स को मारना शुरू कर दिया। इसमें गट्स थे, ये कहती मेरे रहते हुए ऐसा कैसे हो जाएगा, ये भिड़ गई उन डाकुओं के साथ, डाकुओं ने इसको उठाया और चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, बाहर वो पास की पटरी के ऊपर जब गिर गई आगे से एक और ट्रेन आ रही थी जो उसके टांगों के ऊपर से होके निकल गई, दोनों टांगे कट गई और जब ये हॉस्पिटल बेड पर उठी होश आया, उसने कहा डॉक्टर साहब मैं एकदम ठीक कैसे हो जाऊंगी, उसने कहा क्यों नहीं। दूसरा जो मुझे उनका चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा वो था निर्भीक बनो डरो मत। क्या है वो, सारी उम्र हम डर डर कर ही जिए, अब तो हमें जीने दो जीने दो, माँ पिताजी जीने दो, मॉम डैड, अरे कोई नहीं मना करा जियो तो सही,